मृत्युंजय जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ अब्बास साहब है जेडीयू की तरफ से। बताइए सर, सरे शाम गोलियां चलाकर, बेखौफ होकर, हथियार लहराकर वहां से भाग गए हैं, आपकी पुलिस खोज रही है, 24 घंटे बीत गए हैं, ये सुशासन है, क्राइम की बाहर कहलाएगी? अंजना जी, आवाज भी मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। हेलो, बोलिए जी। बिल्कुल, ये सुशासन की सरकार कल भी थी, सुशासन की सरकार कल भी थी और आज भी है। मैं मानता हूं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, कहीं ना कहीं कमी रही, तभी तो ये बात उठ रही है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं और आपके एक नेशनल बड़े चैनल के माध्यम से हम बिहार के अवाम को फिर हम तसल्ली देना चाहते हैं कि यकीन रखें कि नीतीश कुमार जी के कोई कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी मंशा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और ये दूध का दूध पानी के पानी होगा और कातिलों को जल्द से जल्द यही पटना के पुलिस पकड़ के दिखाएगी, तब आपको इस चैनल पे कहना पड़ेगा कि हाँ पकड़े गए। हाँ, कमियां हैं, तभी तो ऐसी बात करने की जरूरत है। अब्बास साहब, नहीं हथियारों को पकड़ने की बात नहीं है, इन हथियारों का ये सोचना कि वो बाइक पर आ सकते हैं, सरे शाम गोलियां, इस तरह से 6 गोलियां दागी, उसके बाद बेखौफ होकर वहां से भाग भी गए हैं, ये आपको उसका मतलब समझ आ रहा है? देखिए, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही कि अगर अपराध कर्मियों का मनोबल जो बढ़ा है, उसको कुचलने की आवश्यकता है। पुलिस, मैं मानता हूँ आपकी बात को, खौफ नहीं है पुलिस महकमे का। खौफ, देखिए हर हत्या बिल्कुल खौफ पैदा होगा, आप घबराइए मत, 2-4 उसका इंतजार कर लीजिए। आपके साथ कई बार हम बैठे हैं चैनल पे और जब इस तरह की परिस्थिति आई तो मैंने कहा, मैं ईमानदारी से कहा है, आज भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। अरे अब्बास साहब, घबराना तो आपको चाहिए। बीजेपी वाले किस अंदाज से पूछ रहे हैं, उनके अलग अलग होता है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, हमको अपने बिहार के मुख्यमंत्री पे गर्व है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ सिचुएशन की बात है, मुख्यमंत्री बख्शेंगे नहीं, यही उनकी प्राथमिकता है। और लोग आज सुशासन बाबू की जो बात करी, आप लोग का ही दिया हुआ है, उनके कारनामों के आधार पर हमने दिया है। मैं कह रहा हूँ कारनामा उसमें कहीं भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सुशील लड़का था। मैं भी जब पटना से दिल्ली जाता था तो हमसे मुलाकात होती, मुझे दुख है क्योंकि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का लड़का है वो, छपरा का मैं भी रहने वाला हूँ, मुझे दर्द है उस बच्चे के सर, आपके दुख और आपके दुर्भाग्यपूर्ण को हमने दर्ज कर लिया, ये चिंताजनक। अब आपकी सुई अटक रही है, जनता जवाब मांग रही है, इससे इनकार नहीं, आपके दुख को दर्ज कर लिया हमने, इससे आगे की कहानी सुनाइए। जवाब मिल जाएगा, अविलंब जवाब मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, ठाकुर साहब आपसे भी एक रिस्पॉन्स दूंगी। एक सेकंड, मुझे अब्बास साहब ये बताइए कि आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा, मैं हर बार की बात कर रही हूँ, जब चुनाव लड़ते हैं लालू प्रसाद यादव के राज को किस क्या कहकर आप लोग दुत्कारते हैं, जंगल राज कहते हैं ना, ये जंगल राज नहीं, ये तो क्या है? देखिए, बात बिल्कुल सही कहा कि हमने नहीं कहा, ये कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जंगल राज, लेकिन सवाल है कि हम क्राइम की पुष्पनाही नहीं करते, हम क्रिमिनलों को बचाते नहीं है, हम क्रिमिनल के हाथ पे मेरा सर नहीं रहता है, हाथ नहीं रहता है। हम हमेशा जो है डिफेंस नहीं करते, ऑफेंस करते हैं। हमने किसी को बचाया नहीं, जो भी घटनाएं घटी आप मुझे बता दिए कि सरकार की कहीं भी कोताही नहीं, ठीक है, घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे लोग बचाएं या उसको बचाएं, तो आप मुझे उंगली उठाइए, विवेक ठाकुर जी को दिखाइए। विवेक ठाकुर जी, क्यों कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए? पटना पुलिस से भरोसा क्यों उठ गया सबका? तो बीजेपी के सांसद हैं सर, गठबंधन की सरकार चल रही है आपकी, अब्बास साहब सीबीआई जांच की मांग वो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल चल रही है, अब उनका व्यक्तिगत है। अगर ये मैं समझता हूं कि अगर ये उस तक तो नहीं पहुंचेंगे, बहुत से मुद्दे पे हम लोगों ने कहा कि क्या नाम है उसका, सीबीआई से जांच हो, मुख्यमंत्री किया है, आप देखिए पत्रकार हत्याकांड हुआ था राज्य हत्या सिवान में, आप लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है उसका सीबीआई की जांच की बात की, तो सीबीआई की जांच हुई। आप मुजफ्फरपुर की घटना के देखिए, मुख्यमंत्री खुद ही कहा, अगर अगर हमारी पुलिस सक्षम ना होगी तब तो हमको थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक ही कहा कि 24 घंटा नहीं हुआ मैडम, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हमको यकीन है अपने बिहार पुलिस पे। विवेक जी, वो अपनी पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं जी।
नहीं, देखिए हमने भी कल ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक कोऑपरेटिव दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि जो हम लोगों ने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र में देखा कि हम करेंगे और हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जनता को कॉन्फिडेंस के में लाने के लिए मैंने कल ये भी कहा कि 3 से 5 दिन प्रथम दृष्टया इनिशियल लीड्स के लिए काफी होता है किसी कल्प्रिट को, क्रिमिनल को नैप करने के लिए। ये मतलब 25 दिन के बाद कोई सुराग मिले ऐसा ना हो, तो इसके चलते 5 दिन का मोहलत हमको देना चाहिए पटना पुलिस को। और अगर उसके बाद भी अगर उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि अगर लग रहा है कि हम क्लूलेस हैं, अगर हमको अंदाज नहीं लग रहा है कि किस तरफ हम जाएं, तो एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव होना चाहिए जनता के कॉन्फिडेंस के दृष्टिकोण से। आखिर कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो या कोई भी हो, काम तो करती है पब्लिक के लिए ही ना अंतोगत्वा। तो इसमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप को डिस्टेंस करना है, देखना चाहिए। 5 दिन अभी हमको मोहलत देना चाहिए पटना पुलिस को, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल केस है, उसको देख के और एक सही दिशा, राजनीति से ऊपर उठ के इसको देखना पड़ेगा।